उत्तर प्रदेश से खबर निकल के सामने, उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है। 23 से 31 अगस्त तक होगा सिपाही भर्ती परीक्षा और सरकारी शिक्षण संस्थान में ही परीक्षा का आयोजन होगा। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी से हमारे संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रिजवान, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में इसी साल फरवरी में पुलिस परीक्षा हुई थी, जिसको लेकर उसके बाद पेपर लीक हो गया था। तमाम जो है जो परीक्षार्थी थी वो कहीं ना कहीं आक्रोश में देखे जा सकते थे, लेकिन इस बार जो यानी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी परीक्षा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी परीक्षा है यूपी पुलिस की, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री तमाम जो है खुद अपनी पहली नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरह से जो कोई जो है इसका खराब ना हो सके। इसको लेकर तमाम जो है उच्च अधिकारी के साथ में खुद वो बैठक कर रहे हैं, तमाम उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि तमाम जनपदों में जिस तरह से जो सेक्टर बनाए गए हैं उनके उनके क्या हालात होंगे। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार जिस तरीके से कैमरे से और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से लगातार जो निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था लगातार कहीं ना कहीं सीएम योगी की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, और जिस तरह से लगातार तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जो आईपीएस यानी कप्तान की बात करें तो लगातार कप्तान जो है कहीं ना कहीं अपने जनपदों में जो तमाम जो केंद्र बनाए गए हैं, सेंटर बनाए गए हैं, वो वहां पर अपना निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई जो जो कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का जो मामला है वो कहीं ना कहीं ना होने पाए। इसको लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चाहे एलआईए की बात करें चाहे सीबीआईसी की बात करें, तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है। और जिस तरीके से लगातार जिस उत्तर प्रदेश में यानी जो 40 लाख परीक्षार्थियों को जो है पेपर देना है, जो कि सारे उत्तर प्रदेश में तमाम कहीं ना कहीं 26 राज्यों के छात्र जो है उत्तर प्रदेश में वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम देंगे जी। क्योंकि रिजवान एक चीज यहाँ पे निकल के सामने आती है, रिजवान एक चीज से मन के सामने आती है कि हर बार देखा जाता है कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उसमें पेपर लीक एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो मुद्दा होता है ये सरकार के लिए खासा सिरदर्द वाला बात होता है। तो ऐसे में किस प्रकार से इस बार पेपर लीक को रोका जाए, सरकार की क्या योजना है, और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम जो किए गए हैं, तो सरकार क्या इस बार सफल हो पाएगी परीक्षा को सफल मतलब आयोजन में? देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें, इसी साल फरवरी में जो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस की परीक्षा हुई, इसके बाद फरवरी में 18-19 को फरवरी को परीक्षा हुई, इसके बाद ये पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को ये मुद्दा मिल जाता है कि पेपर लीक मामले को लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इसका विरोध करती नजर आती है। लेकिन इस बार जो यानी आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यूपी पुलिस की जो परीक्षा यानी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, ऐसे में लगातार तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बैठक कर रहे हैं, तमाम जो है जनपदों में जहां पर सेंटर बनाए गए हैं उनका कहीं ना कहीं जायजा ले रहे हैं। तो कहीं बात करें अगर हम, तमाम जो आला अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, तमाम जो है कप्तानों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं, जिला प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं यूपी में 2300 चक्र मिशन जो है लगाए गए हैं, और साथ ही साथ तकरीबन 25,000 पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई। तो कहीं ना कहीं कोई किसी तरह की कोई चूक ना होने पाए, जिसको लेकर लगातार जो है यूपी प्रशासन जिला प्रशासन तमाम जनपदों में कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो पहले यानी फरवरी में जो पेपर लीक जो मामला हुआ, परीक्षा हुई, जिसको लेकर तमाम जो है पेपर जो लीक में तमाम विभाग को मुद्दा मिला, ऐसे में सीएम योगी लगातार कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में। रिजवान, सिंपल सी बात तो यही पे जी जी रिजवान सिंपल सी बात तो यही है कि सरकार को घेरने का काम विपक्ष लगातार करती आई है, और जिस प्रकार से पहले के जो प्रकरण हुए हैं पेपर लीक के मामले हो चाहे जो भी हो, जिस प्रकार से परीक्षा का सफल आयोजन सरकार नहीं करवा पा रही थी, तो ऐसे में एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह निकल कर ये आता है योगी सरकार के सामने कि इस बार क्या वो सही तरीके से परीक्षा का आयोजन करवा पाएगी, और क्या इस बार विपक्ष को सच में कोई मुद्दा नहीं मिल पाएगा सरकार को घेरने का? तो ऐसे में क्या कुछ देखा जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं साख का इज्जत की बात हो चुकी है ये परीक्षा, तो योगी आदित्यनाथ इस बार किस प्रकार से और कितना सफल आयोजन करवा पाते हैं, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है रिजवान? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से परीक्षा जो लीक हुई, इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में है, तो कहीं ना कहीं एक वो पहल नहीं छोड़ना चाहते हैं कि विपक्ष कोई मुद्दा मिल सके। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो चुनाव पे क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है इस बार? देखिए, ये तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा बन सकता है अगर उत्तर प्रदेश में जो अगर पेपर लीक होता है, इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो परीक्षा होनी है जो यानी 23
24-25 और 30-31 को, यानी जिसको लेकर 48 लाख प्रत्याशी जो है परीक्षा देंगे। इसको लेकर तमाम जो है जनपदों में सेक्टर बनाए गए हैं, जो पुख्ता इंतजाम, यानी अगर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आए तो इसका मतलब जाहिर सी बात हो सकता है वो खुद जो है उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से इस परीक्षा को लेकर जो कहीं ना कहीं बनी हुई है कि किसी तरह की जो घटना है वो कोई ना घटने पाए, जो पेपर लीक मामला है वो कहीं ना कहीं ना होने पाए। ऐसे में तमाम जो एजेंसी है वो कहीं ना कहीं लगा दी गई है ऐसे, क्योंकि विपक्ष को वो मुद्दा जो है देना नहीं चाहते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो इसी को लेकर तमाम जो है एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और तमाम जो तमाम जनपदों को कहीं ना कहीं पीसी के माध्यम से उनको लगातार ये भी अवगत कराया जा रहा है कि अपने जनपदों में जहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं। चलिए जी रिजवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, साफ तौर पे यूपी में, उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा होना और उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार खासी तैयारियां कर चुकी है। और जिस प्रकार से विपक्ष ने पिछले कुछ समय से खास करके प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है, तो देखना दिलचस्प ये भी हो जाएगा कि इस बार प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे इन चुनौतियों से पार पाती और क्या इस बार सही में सफल तरीके से सिपाही परीक्षा का आयोजन करवा पाएगी।